हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी टाइम फॉर यू। आज हम पानीपत ज़िले के बारे में जानेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पानीपत ज़िला एक ऐतिहासिक स्थल है, और ये जो पानीपत जो है पांडवों के समय का है। इसको पहले पर्णप्रस्थ कहा जाता था। तो पहले देख लेते हैं पानीपत, उपनाम इसका जो है बुनकर नगरी। ये क्वेश्चन जो कई बार आ चुका है सभी की जुबान पे है क्वेश्चन, बुनकर नगरी। स्थापना 1 नवंबर 1989 को जो है इसकी स्थापना हुई। प्राचीन नाम जो है पर्णप्रस्थ, इसका जो है पुराना नाम था। जनसंख्या यहाँ की जो है 12,05,400 जो है 34 है, और जनसंख्या घनत्व यहाँ का 951 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो पर्णप्रस्थ जो है इसका पुराना नाम था। प्रमुख उद्योग यहाँ के ऊनी वस्त्र उद्योग, तेल शोधन कारखाना जो है काफ़ी हैं, और यहाँ की ऊनी वस्त्र की जो है चादरें, और जो है खेस और कंबल जो हैं यहाँ के काफ़ी प्रसिद्ध हैं कंबल। और ये जो कंबल हैं जो हमारे फौज के लिए भी यहाँ से बनाए जाते हैं और भेजे जाते हैं कंबल पानीपत से। चादरें हैं जैसे कि ये यहाँ की काफ़ी प्रसिद्ध हैंडलूम जो उद्योग है यहाँ का, हैंडलूम उद्योग जो है ये यहाँ का काफ़ी प्रसिद्ध है पानीपत का। इसी के कारण पानीपत को एक अपनी अलग पहचान मिली। और 1998 में जो है यहाँ पर इंडियन ऑयल की जो तेल शोधन कारखाना लगाया गया था, जो एशिया का सेकंड लार्जेस्ट जो है तेल कारखाना है। 1998 में जो इसकी यहाँ पर लगाया गया था। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहोली, और ये जो है ये बहोली गांव में है, बहोली गांव जो पड़ता है वहाँ पर है ये तेल शोधन कारखाना। तो ये यहाँ के प्रमुख जो है उद्योग थे। चलिए आगे देखते हैं यहाँ क्या क्या कुछ प्रसिद्ध है। जैसा कि आप लोग जानते हैं यहाँ की जो लड़ाइयाँ भी काफ़ी प्रसिद्ध हैं। लड़ाइयाँ देख लेते हैं। सबसे पहले पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 1526 में जो हुआ था, ये किन के बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जो है ये प्रथम युद्ध हुआ पानीपत का 1526 में, और इसमें जो है बाबर जो है उसकी विजय हुई। बाबर जो विजय और इब्राहिम लोदी जो हार गया और उसकी मृत्यु हो गई थी। और जो पानीपत का जो है दूसरा युद्ध था, जो पानीपत का जो है सेकंड जो युद्ध हुआ वो हुआ था 1556 ईस्वी में। तो ये युद्ध जो है अकबर और हेमू, जिसको हेमचंद्र भी कहते हैं, इनके रेवाड़ी का शासक था ये हेमू जो है, इनके बीच जो है युद्ध हुआ, जिसमें अकबर की विजय हुई और मुग़ल साम्राज्य की जो नींव है जो और भी सुदृढ़ होती चली गई। और जो पानीपत का
इसके बाद देख लेते हैं थर्ड तीसरा जो युद्ध हुआ पानीपत की, जो तीसरी लड़ाई थी, तीसरी जो है लड़ाई 1761 में हुई थी। ये अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली और मराठा जो सरदार था सदाशिव राव भाऊ, इनके बीच हुई, जिसमें मराठों की जो है करारी हार हुई और अहमद शाह जो है अब्दाली इस युद्ध में जीत गया था, विजयी रहा। तो ये प्रमुख जो है आगे तीन युद्ध थे। प्रथम युद्ध जो है 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई, बाबर जीत गया। और सेकंड जो युद्ध हुआ पानीपत का 1556 में हुआ, जिसमें अकबर और हेमू के बीच में हुआ, जिसको हेमचंद्र कहते हैं, रेवाड़ी का शासक था, और जिसमें जो है अकबर की विजय हुई। और थर्ड जो युद्ध हुआ पानीपत का 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था, जिसमें अहमद शाह जो अब्दाली जीत गया था। सेकंड जो युद्ध हुआ था 1556 में, उसमें जो एक क्वेश्चन और बनता है, अकबर का जो नवरत्न थे, नवरत्नों में से एक टोडरमल था, जो उसका जो वित्त मंत्री, अच्छा कवि लेखक भी था, अच्छा शासक था, तो वो नवरत्नों में से एक था, उसका वित्त मंत्री। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि टोडरमल कौन था, तो अकबर था जो उसके नवरत्नों में से एक था, ये इसका वित्त मंत्री भी रहा था, तो उसका वित्त मंत्री था। तो ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो है यहाँ पर है फ्लाईओवर जो है यहाँ का फ्लाईओवर है, जो फ्लाईओवर पानीपत का, यह सबसे लंबा है हरियाणा का, सबसे लंबा पुल है, सबसे लंबा पुल है फ्लाईओवर जो यहाँ का है। और जो 1857 की क्रांति हुई थी, उसमें यहाँ का जो भू अली शाह थे, भू अली शाह कलंदर थे, जो उन्होंने अंग्रेज़ों का विरोध किया था, अंग्रेजों के खिलाफ अपना झंडा बुलंद किया था और जो फांसी पे चढ़ गए थे। अठारह सौ सत्तावन की क्रांति में भू अली शाह कलंदर थे, जो अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने अपना झंडा बुलंद किया आज़ादी के लिए और फांसी पर चढ़ गए थे। इसके अलावा यहाँ के जो प्रमुख है, यहाँ का जवाहर नवोदय विद्यालय, ये नौलथा गांव है, जो यहाँ पर नौलथा गांव वहाँ पर स्थित है जवाहर नवोदय विद्यालय। इसके अलावा जो है यहाँ का काबुली बाग एवं तालाब बनाया गया है, ये जो है बाबर ने जो है बनवाया था इब्राहिम लोदी पर विजय के उपलक्ष्य में, और अपनी जो प्रिय रानी थी इनकी मुसम्मत जो बेगम थी, बेगम काबुली थी, जो उसकी याद में जो इन्होंने यहाँ पर काबुली बाग एवं तालाब जो है यहाँ पर बहुत ही सुंदर बनवाया था। इसके अलावा यहाँ पर है काला अम्ब, ये भी काफ़ी प्रसिद्ध स्थल है पानीपत का और कई बार पूछा भी जा चुका है एग्जाम में। तो ये वो स्थान है जहाँ पर जो तीसरा युद्ध हुआ था, वहाँ कहते हैं मराठों का इतना खून बहा था कि धरती जो है लाल पड़ गई थी, और उस वहीं पर एक वृद्ध अवस्था में जो है जर्जर अवस्था में
आम का वृक्ष था, आम का जो है वृक्ष था, कहते हैं वो भी उस अवस्था में जो है काला पड़ गया था, और जिसके कारण उस बाद में इसको जो है काला आम कहा जाने लगा, तो इस नाम से बाद में प्रसिद्ध हुआ। और इसके अलावा यहाँ पर जो है कोस मीनारें हैं। अब ये केवल 88 जो बची हुई हैं, हर कोस पर जो है कोस मीनारें बनाई गई थी शेरशाह सूरी द्वारा। शेरशाह सूरी जो थे उनके द्वारा जो है इनका निर्माण करवाया गया था हर कोस पर। अब ये 88 जो है 88 जो है बची हुई हैं। इसके अलावा जो हम देख लेते हैं, यहाँ पर इसके अलावा पानीपत में जो आध्यात्मिक आध्यात्मिक जो है संग्रहालय है, यहाँ पर विभिन्न धर्मों की जो है धार्मिक पुस्तकें जो है रखी हुई हैं, तो ये भी काफ़ी प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ पर जो है सिद्ध शिव शनि धाम है, सिद्ध शिव शनि धाम। इसको दादा पोता मंदिर भी कहते हैं, मंदिर भी जो है कहा जाता है। ये हिंदू और जो है मुसलमान एकता का प्रतीक है। एक तरफ इसमें जो है आरतियाँ चल रही होती है, वही दूसरी तरफ हमारे मुसलमान भाई जो है नमाज जो है पढ़ रहे होते हैं, तो ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। और इसके अलावा यहाँ पर दिगंबर जैन मंदिर है, दिगंबर जैन मंदिर। ये भी जो है काफ़ी प्रसिद्ध है, काफ़ी अच्छा भव्य बनाया गया है। और इसके अलावा शेख अना मुल्ला की दरगाह, शेख अना मुल्ला की दरगाह, शेख अना मुल्ला की दरगाह भी यहाँ पर है। और इसके अलावा जो है अल्ताफ हुसैन अली, अल्ताफ हुसैन अली की जो है कब्र है, अल्ताफ हुसैन अली की यहाँ पर कब्र है पानीपत में। अल्ताफ हुसैन अली जो उर्दू फारसी अंग्रेजी के अच्छे विद्वान थे। ये उर्दू फारसी और अंग्रेजी के अच्छे विद्वान थे। इन्हीं के नाम पर जो हरियाणा में उर्दू का जो है पुरस्कार भी, आली पुरस्कार जो है शुरू किया गया है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो इसका भी काफ़ी ध्यान रखें। इसके अलावा यहाँ पर देख लेते हैं, और इसके अलावा यहाँ पर अबू अली शाह कलंदर, बोली शाह कलंदर की दरगाह है, जो अपनी भव्यता के लिए उत्कृष्ट नमूना है। और इसके अलावा यहाँ पर जो है कबीर उल ओलिया शेख जलालुद्दीन की जो है दरगाह है, कबीर उल ओलिया शेख जलालुद्दीन की दरगाह भी यहाँ पर है। ये भी जो है सिकंदर के नहीं इसके कलंदर के जो है कलंदर के समकालीन थे। कलंदर के जो है समकालीन थे, तो ये जो है यहाँ पर काफ़ी प्रसिद्ध है। इसके अलावा जब जो प्रथम युद्ध हुआ था इब्राहिम, जहाँ पर मरे थे इब्राहिम की कब्र भी है वहाँ पर, जहाँ उनको दफना गया था प्रथम युद्ध के बाद जो है उनकी मृत्यु हो गई थी, तो यहाँ पर उनको जो है दफनाया गया है।
इसके अलावा यहाँ पर हकीम, मुकर्ब खान दरगाह है, ये औरंगजेब के समय जो है जहांगीर के समय के हकीम, प्रसिद्ध हकीम थे मुकर्ब खान, इनकी भी दरगाह यहाँ पर जो है बनाई गई है। इसके अलावा यहाँ पर सलार जंग गेट है, जिसकी जो है नक्काशी जो है उसके लिए काफ़ी प्रसिद्ध है सलार जंग गेट। और इसके अलावा यहाँ पर जो है जामा मस्जिद है, बाज़ार के नज़दीक है, जो मुख्य बाज़ार है जो यहाँ का, वहाँ पर जामा मस्जिद बनाई गई है पानीपत में। और इसके अलावा पानीपत का जो प्रमुख पर्यटन स्थल है स्काईलार्क जो है पानीपत का प्रमुख पर्यटन स्थल है। इसके अलावा ब्लू जे ये भी पर्यटन स्थल है, ये समालखा गांव में है। समालखा नगर है तो समालखा जो नगर है इसमें ये प्रसिद्ध है अपने ऐतिहासिक स्थलों के लिए, और औद्योगिकरण यहाँ भी पानीपत के कारण नज़दीक है तो काफ़ी हुआ है। और इसका जो है मुगल इस्माइल खान थे जो उसने जो है इसको समालखा को बसाया था, तो इसके नाम पर जो है ये समालखा पड़ा इसका नगर का नाम। तो ये यहाँ के जो है प्रमुख ऐतिहासिक स्थल और पर्यटन केंद्र थे। आशा आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल स्टडी टाइम फॉर यू। थैंक यू टू लिसन मी केयरफुली।